टुडे वी स्टार्ट विद वेब स्क्रैबिंग. ओके, देयर इज अ लाइब्रेरी कॉल्ड ब्यूटीफुल सू. तो हम उसका यूज करके क्या करेंगे, वेब स्क्रैप करेंगे और ट्राई करेंगे कि क्या कर सकते हैं, कुछ डेटा निकाल सकते हैं किसी भी वेबसाइट से. तो कोई भी एक यूआरएल लेते हैं. ओके, बट अभी की डेट में अगर मैं बताऊं तो वेब स्क्रैबिंग काफी हद तक रोक दी गई है. जब से एसएसएल सर्टिफिकेट्स आए हमारे पास वेबसाइट्स के, तो वेब स्क्रैबिंग काफी हद तक, क्योंकि किसी की वेबसाइट का डेटा उठाना थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट माना जाता है, बट फिर भी क्या करते हैं, लाइक जो भी हम डेटा गैदरिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं से तो करेंगे. तो वो वेब स्क्रैबिंग अगर जो अलाउ कर रहे हैं, तो अगर आपको स्क्रिप्ट बनाने के लिए कहा जा रहा है तो आप कैसे बनाओगे. ओके, तो देखते हैं कि किसी वेबसाइट से हम डेटा कैसे निकाल सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. ओके, एक सेकंड गाइस, मैं चेक कर लेता हूं. लाइक मेरे पास एक वेबसाइट का यूआरएल है. ओके, उससे मैं कुछ डेटा फेच करूंगा. जितिन, वेब स्क्रैबिंग और डेटा एक्सट्रैक्शन आर टोटली डिफरेंट. डेटा को एक्सट्रैक्ट करना मतलब आपके पास कोई डेटा पड़ा है. ओके, और आप उस डेटा में से कुछ इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे हो. ओके, मतलब एक स्टैटिक जगह से आप निकाल रहे हो. बट वेब स्क्रैबिंग का मतलब क्या है, आप ऑनलाइन डेटा एक्सेस कर रहे हो. किसी यूआरएल पे जा रहे हो, उस यूआरएल को एक्सेस कर रहे हो, उसका डेटा गेट करके यूज कर रहे हो. ओके, डेटा एक्सट्रैक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम डेटा, सॉरी वेब स्क्रैबिंग. गॉट इट? चलो स्टार्ट करते हैं गाइस. मेरे एक्चुअली क्या हो गया ना, कुछ वेबसाइट्स ने ब्लॉक कर दिया, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरे को अच्छी सी वेबसाइट मिल जाए वेब स्क्रैप करने के लिए. लेट मी, दो ऐसी लगा लो फिर. चलो एक बार स्टार्ट करते हैं. So guys, there's a library which is considered as a beautiful soup. Okay, तो क्या होगा, सबसे पहले हमें URL को handle करना है. तो उसके लिए हमें कौन सी library चाहिए, URL link. Okay, Python में available है. Start करते हैं from urllib.request. Okay, from urllib.request import. एक फंक्शन होता है इसका URL open. ओके, फ्रॉम urllib.request. ओके, इंपोर्ट URL open. तो हमने क्या किया, सबसे पहले URL को ओपन करने के लिए एक मेथड को कॉल करा. उसके बाद एक लाइब्रेरी होती है BS4 which is considered as a beautiful soup. इंपोर्ट beautiful. ओके, ये लाइब्रेरी का नाम है गाइस जो हेल्प करती है वेब स्क्रैबिंग के लिए. क्या नाम है, BS4 बोल सकते हो या ब्यूटीफुल सूप बोल सकते हो. ओके, और डेटा निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, जिनको आइडिया है उनके लिए बता दूं, पांडास में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है हमारा डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम हमारा नेम और सॉरी नेम बोल रहा हूं, मतलब कि कॉलम्स और रोज कनेक्ट क्या इंक्लूड कर सकता है, तो मैं उसका उसकी हेल्प ले लूंगा. तो एक URL है गाइस, देयर इज अ वेबसाइट, मैं दिखाता हूँ आपको. दिस, तो मैं क्या करूंगा, उसका ये वाला स्ट्रक्चर निकालूंगा. ठीक है ना, गॉट इट? क्या UEFA क्लब रैंकिंग, तो मैं चाहता हूँ उसका ये वाला डेटा दिख रहा है आपको, ये वाला डेटा एक्सट्रैक्ट कर लूं. ओके, तो ट्राई करता हूँ कि ये वाला डेटा कैसा एक्सट्रैक्ट होगा, कैसे नहीं होगा. ओके, तो मुझे इसकी भी हेल्प चाहिए. ओके, और अपने स्क्रिप्ट की भी हेल्प चाहिए. तो मुझे बेसिकली क्या है, अपनी पहले इस वेबसाइट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. तो ऑब्जर्व करने के लिए मुझे क्या, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. तो स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले. ओके, देखते हैं कैसे बनेगा स्ट्रक्चर. सो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं URL को ओपन करूंगा. तो मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें URL ले लिया. URL क्या था मेरा, दिस इज माय URL. ये आ गया पूरा URL, कॉपी करो यहां से एंड पेस्ट. गॉट इट? ओके गाइस, तो यहां पे मैंने क्या करा, URL लिया एक वेरिएबल में. ओके, अब मैं इसे ओपन करूंगा. तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया p=, ओके, URL ओपन, जो मैंने ऊपर इंपोर्ट कराया था उसके हेल्प से मैं क्या करूंगा, इसे ओपन करूंगा. URL ओपन, और URL ओपन में क्या पास करूंगा, किस ओपन करना है, इस वाले URL को. ओके,
सो गाइस ये यूआरएल वेरिएबल है और ये यूआरएल एक फंक्शन है, तो मैंने इसे ओपन कर लिया यूआरएल, गॉट इट, ये अब ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ओके ओपन होने के बाद क्या होगा, मुझे क्या चाहिए, इस पेज में जाके, ठीक है इस पेज में जाके क्या चाहिए मुझे, एक स्ट्रक्चर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस पेज को एक्सेस करूंगा, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, नाउ ट्राई टू एक्सेस द मेन पेज, मेन पेज। ओके तो अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर गया और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करा। ओके ओके गाइस, सो मुझे कुछ स्ट्रक्चर मिलना स्टार्ट हो गया। अब मेरे ये थी मेरी वेबसाइट, ओके और कहाँ गया मुझे जो स्ट्रक्चर चाहिए था, चलिए यही से ढूंढ लेंगे, क्लब रैंकिंग कार्ड, मुझे रैंकिंग कार्ड चाहिए थी, तो मैंने रैंकिंग कार्ड वाले स्पॉट पे क्लिक करता। देखो यहाँ पर आओगे, मुझे रैंकिंग कार्ड निकालना था, यही बताया था ना आप लोगों को, मोबाइल व्यू आ गया इसका, डेस्कटॉप भी निकालता हूँ, एक सेकंड से कट करके फिर से देखते हैं। मुझे क्या चाहिए था, यूई क्लब रैंकिंग, ओके तो मुझे ये वाला रैंकिंग कार्ड चाहिए था। ओके पूरा का पूरा नेम और वैल्यूज कंप्लीट, ये है नेम और ये है उसकी वैल्यूज, तो ये वाला पोर्शन मुझे सिर्फ इसका गेट करना है। तो बस सेम पहले तो क्या करूंगा, पूरे पेज को एक्सेस कराऊंगा, तो पूरे पेज को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए, एचटीएमएल में वैल्यूज है। ओके तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो आओ सबसे पहले पूरे पेज को एक्सेस कराते हैं। मैंने बोला एस इक्वल्स टू, ऊपर एक फंक्शन कॉल कराया था जिसका क्या नाम था, और इंपोर्ट कराया था ब्यूटीफुल सू, ब्यूटीफुल सू। गाइस इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रिप्ट लिखनी है। ओके लॉजिक इन द सेंस आपको फंक्शंस का यूज करना आना चाहिए, बाकी फंक्शन इनबिल्ट है। ओके अब इसमें आप क्या करोगे, क्या दोगे, वो यूआरएल दोगे जो कि आपको ओपन कर रहा था अभी, तो कौन किस में सेव करा था मैंने, पी में। और क्या बोलोगे, क्या गेट करना है, पूरा का पूरा एचटीएमएल डॉट पार्सल, मतलब उसका जितना भी एचटीएमएल का कोड है वो पूरा का पूरा गेट कर लो। तो अब एस में मेरे पास उसके पूरे का पूरा डिटेल आ जाएगा, उस पूरे के पूरे पेज की स्ट्रक्चर की। अब मैं क्या करूंगा, स्ट्रक्चर में से वो सिलेक्टेड चीज उठाऊंगा जो मुझे चाहिए, तो देखते हैं क्या चाहिए मुझे, मुझे ये चाहिए, इंस्पेक्ट करा मैंने। ओके अब इंस्पेक्ट करा तो देखो मैंने जहां पर करा था तो मुझे क्या देता, रैंकिंग कार्ड देता, तो ढूंढ लो यहाँ पर रैंकिंग कार्ड कहाँ पर है। ओके प्राइवेट कौन सी कहाँ जा रहा है, ओके तो अब देखो मैं इसमें रैंकिंग कार्ड ढूंढता हूँ, पहले तो फाइव डे हो गया, ये कंटेनर्स ये था, थोड़ा सा टाइम लगता है यार इसमें देखने में, तो रुको जरा पहले ढूंढ लूं मैं कहां पर मिलेगा मुझे, ये रहा इसका हेडर वाला पार्ट आ गया, ये फॉर्मेट आ गया, कॉलम टाइटल नहीं चाहिए, डेस्कटॉप भी नहीं चाहिए, फीचर्ड इससे ओपन करता हूँ, तो सर्च करके देखते हैं रैंकिंग कार्ड मिलना चाहिए बस डेस्कटॉप में, रैंक
ऊपर जो डेफिनेशन लिखी थी तो उसकी क्लास के रिस्पेक्ट में मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा. ओके कुछ भी हो चाहे वो, तो आपको बेसिकली उसका एक आईडी चाहिए चाहिए. डेस्कटॉप व्यू में नहीं दिखेगा, लाइक जैसे कि ये था ना, तो क्या था UEFA क्लब रैंकिंग. तो इसी तरीके से आपको इसकी जो भी UEFA जो भी इसका टाइटल है आपको इसके रिस्पेक्ट में ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर अवेलेबल हो रहा है. या तो इसे सर मैं आपको मैनुअली ढूंढ के दिखाना चाह रहा था, कंट्रोलर से तो मिल ही जाता बाद में. UEFA क्लब रैंकिंग क्लब रैंकिंग क्लब कोएफिशिएंट UEFA क्लब रैंकिंग ईयर का आपका So, मुझे देखो भाई दो चीजें चाहिए इसमें से. ओके क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो रैंकिंग के नेम्स चाहिए. ओके उसके बाद उसकी वैल्यूज चाहिए. तो ये दोनों के दोनों किस क्लास में होंगी, क्लास देखता हूँ मैं, क्लास कंटेंट कॉलम वन, उसका आईडी लेफ्ट साइड में. मैंने काफी चेंज कर दिया है. बस दो सेकंड तैयार, जरा मुझे आईडी ढूंढने दो पहले. सेकंड कैसा होता है, लाइक अगर आप यहाँ पर कर्सर पे सेलेक्ट करोगे ओके और देन क्या मुझे पूरा चाहिए ओके कंप्लीट. तो मैं क्या करता हूँ कर्सर से सेलेक्ट करके, थोड़ा सा इन्होंने यूआई चेंज करा था इसलिए कंफ्यूजन हो रही थी बट अब क्लियर है. तो मुझे कंप्लीट चाहिए, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा देखो मुझे क्या पता चला इस क्लास में किस क्लास में बिलोंग कर रहा है. पूरा का पूरा मुझे इतना चाहिए था रैंकिंग कार्ड में, किस में कर रहा है रैंकिंग कार्ड में. ओके याद रखना क्या है, रैंकिंग डैश कार्ड. ओके मैं इसी का यूज करूंगा. उसके बाद प्लस क्या करना है, मुझे ये वाली वैल्यूज चाहिए थी. अगेन सेलेक्ट द पॉइंटर एंड क्लिक ऑन दिस. तो देखो क्या ये कौन सी क्लास में एग्जिस्ट कर रहे हैं सारे के सारे, रैंकिंग वैल्यूज में. तो बस मुझे इन दोनों की चीजें मुझे ये गेट करने हैं और ये गेट करना है. तो मैं रैंकिंग कार्ड प्लस रैंकिंग वैल्यूज दोनों निकालूंगा. ओके क्लियर है गाइस, कोई डाउट है तो बताओ. ओके आपको यहाँ से मैं पॉइंटर सेलेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि काफी टाइम बात कर रहा हूँ. ओके तो देखो यहाँ से सेलेक्ट करोगे गो देयर, अब आप जिसको चाहोगे वो चीज आपको मिल जाएगी. ओके तो मुझे कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया था तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा, मुझे पता चल गया कि इस पूरे स्ट्रक्चर का क्या वैल्यू है क्या नहीं है. ओके ये देखो. ओके तो मुझे पूरा रैंकिंग कार्ड सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सा वाला कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है. ओके यहाँ पर से भी मैं कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ. आफ्टर दैट मुझे पता करना था ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, देन गो देयर एंड सेलेक्ट. ओके तो मुझे पता चला कि कौन सी क्लास में बिलोंग कर रहा है. ओके तो यहाँ से मुझे पता चल गया देखो रैंकिंग वैल्यूज अपने आप से वो बता रहा है. क्लियर है गाइस, इसे देख लो जो चीज निकालनी है आप ऐसे फाइंड करोगे. जब तक आपको यहाँ से डेटा नहीं मिलेगा आप यहाँ से वैल्यू नहीं देख पाओगे कौन सी चीज का आईडी क्या है वैल्यू क्या है, तब तक आप स्क्रैप नहीं कर पाओगे. क्लियर. ओके थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर लिया इसने. ओके बट देख लो समझ लो इसे. ओके तो देखो मुझे दो चीजें पता चल गई, अब मैं बस अपनी स्क्रिप्ट में से राइट करके ये वाला डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ. ओके तो आ जाओ स्क्रिप्ट बनाते हैं अब. ओके सिंपल सिंपल फंक्शंस है, कॉल कराओ बस. लाइक अब क्या स्ट्रक्चर क्या था आपका, एचटीएमएल पे था भाई. आईडी का मतलब वो एक क्लास की आईडी होती है ना, तो वहां पे जो रैंकिंग कार्ड और जो रैंकिंग नेम रैंकिंग वैल्यू है वो उसकी आईडी है एक तरह से, ठीक है ना. गॉट इट, एचटीएमएल में आईडी बोलते हैं आप उसे. क्लियर है कि आपने उसे एक आईडी एक नेम असाइन करा रखा है वहां पे. तो देखो अब मैं आगे का स्ट्रक्चर लिखता हूं. मैंने क्या लिखा, अब मुझे स्ट्रक्चर गेट करना है. तो मैं क्या करता हूं आउटपुट नाम की एक फाइल बना लेता हूं, आउटपुट इक्वल्स टू में. ओके किसके पास है, मेरे पास पूरा का पूरा, जो ने पूरा का पूरा एचटीएमएल ले रखा है पूरा का पूरा पेज वो ले रखा है एस ने. तो मैं बोल रहा हूं एस डॉट फाइंड अंडरस्कोर ऑल फंक्शन लगाया मैंने. क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले डिव एक्सेस करेगा, हर चीज एक डिव में लिखी होती है. और कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, क्लास अंडरस्कोर सबसे पहले किसे एक्सेस करना है, रैंकिंग कार्ड को. ओके यही था रैंकिंग कार्ड.
आफ्टर दैट जब रैंकिंग कार्ड आ जाएगा तो क्या होगा, अब मैं उसे एक स्ट्रक्चर में डालूंगा। ओके मुझे वैल्यूज चाहिए उसकी। ओके तो यहाँ पर अगर आपको फिर से, चलो अच्छा भी दिखाऊंगा बाद में। ओके तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसे कंटेनर में डाल रहा हूँ। तो कंटेनर का नाम रखा मैंने सी प्लस टू में, किसके पास है, आउटपुट फाइल के पास है। ओके और कौन सा स्ट्रक्चर लेना है, जीरो एलिमेंट का। ओके जीरो मतलब कि एक एक एलिमेंट आएगा, और डेट अनऑर्डर्ड लिस्ट। कैसी लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, पता है ना, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है एचटीएमएल में, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो थोड़ा सा इसमें एचटीएमएल का पार्ट भी आपको आना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या करा, एक एम्प्टी लिस्ट ले ली जिसमें डेटा सेव कराऊंगा अपना, नेम इक्वल्स टू। ओके किसके पास पड़ा है सारा नेम, कंटेनर के पास पड़ा है, तो बस वहां से उठा लो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। लाइक इस कंटेनर की बात, पूरा का पूरा कंटेनर आ गया है, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन किसमें, सी में आ गया है। ओके अब उसमें से मैं चीजें अलग अलग कर लूंगा। तो देखो सी डॉट, इसमें भी अब फाइंड ऑल लगाया मैंने, फाइंड ऑल। ओके और इसमें क्या था, देखो फाइंड ऑल लगाने के बाद अगर आप देखोगे तो रैंकिंग कार्ड आप लोगों को दिखाई दे, ये मैंने रैंकिंग कार्ड खोला। ओके रैंकिंग कार्ड खोलने के बाद देखो ये क्या दिखा रहा है, अनऑर्डर लिस्ट। ओके तो अनऑर्डर लिस्ट में था। ओके वही चीज लिखी है मैंने पूरा का पूरा रैंकिंग कार्ड। अब इसके बाद जब मैं थोड़ा सा नीचे गया तो लोगो एंड ऑल जो भी था ये तो मेरे काम पे नहीं था, मुझे क्या नेम और वैल्यूज चाहिए थी। अब मैं नेम को ओपन करता हूँ। ओके तो अगर नेम किसमें है, स्पैन। ओके तो स्पैन से चलोगे, क्लास का नाम क्या है, रैंकिंग नेम। ओके तो बस इसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को उठा लो। तो हियर स्पैन कॉमा क्लास इक्वल्स टू रैंकिंग नेम। ओके मतलब उस पूरे रैंकिंग कार्ड में से मैंने रैंकिंग नेम ले लिया, और अब सेम फॉर रैंकिंग वैल्यूज, नेम होगी और यहाँ पर ले लो वैल्यूज। सेकंड तो यही था, वीएल ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी अगेन सी डॉट फाइंड ऑल स्पैन, और बस रैंकिंग R A N K I N G रैंकिंग। ओके बिल्कुल सेम होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होता है रैंकिंग नेम की जगह क्या आता है, रैंकिंग वैल्यू। ओके रैंकिंग वैल्यू पर इट, ये दोनों चीज मैंने लगा दी। अब क्या हुआ, देखो मल्टीपल नेम्स है। ओके और मल्टीपल वैल्यूज है, तो किसमें आई आपके पास, नेम वाले पार्ट में आई है और वैल्यू वाले, मतलब इसमें आके वो सेव हो गई, एक ऑब्जेक्ट सेव हो गया। अब उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, ओपन करना है फॉर आई कॉमा जे इन zip। सबसे पहले zip कर दो एक साथ, तो एक फॉर्मेट में आ जाएंगे वो आपके। ओके नेम कॉमा वेल वी एल वेल। ओके तो ये दोनों को मैंने क्या करा, एक साथ zip कर दिया। अब एक एक करके बस एक्सट्रैक्ट कराऊंगा मैं इसे, क्या करूंगा एक एक करके एक्सट्रैक्ट कराऊंगा। तो सिंपल x इक्वल टू में आई डॉट टेक्स्ट। ओके कन्वर्जन y इक्वल टू में j डॉट टेक्स्ट, कन्वर्ट करके मैंने डेटा यहाँ पर उठा लिया, और एट लास्ट इसे अपेंड करते चलो किस पे, एक लिस्ट में डेटा डॉट अपेंड str ऑफ x। ओके क्योंकि वो आपके एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आएंगे, str ऑफ y। तो ये दोनों की दोनों चीजें मेरे पास आ गई हैं, str of x और str of y, इतना काम हो गया। देखें जरा str of x और str of y एक जगह बाइंड करके रख दिया मैंने। ओके सो गाइस अब क्या करूंगा, बस इसे डेटा फ्रेम में डाल के आप लोगों को शो करा दूंगा। तो here df equals to में pg dot data frame जो कि pandas का फंक्शन है, pandas बोल निकल आई थी क्या, ये डेटा फ्रेम ओके। तो डेटा किसमें सेव हुआ है, जाके आपका डेटा नाम के एक लिस्ट में। ओके गॉट इट, और कॉलम नेम्स दे दो आप, दे सकते हो यहाँ पे कॉलम्स इक्वल्स टू नेम कॉमा वैल्यूज। गॉट इट, स्ट्रक्चर बन चुका है आपका प्रिंट डेटा फ्रेम।
थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, मैं भी सही हो या गलत एरर बता देगा। सो आउट, ओके ये आपका आउट नहीं है, आउटपुट था, आउटपुट एरर आई थी यहां से पता चला मुझे। अगेन एग्जीक्यूटेड, सो देखो अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, ओके रैंकिंग वाइज। तो जो डेटा आपका वेबसाइट पे था इस तरीके से आपने उसे एक्सट्रैक्ट करके अपने पास निकाल लिया है, ओके ये पूरा का पूरा डेटा देखो और यहाँ पर देखो तो आपके पास पूरी की पूरी वैल्यूज आ रही है। गाइस समझ में आया, थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि नहीं मिला, बाकी तो कर लेंगे आगे भी स्क्रैपिंग एंड ऑल। ओके इतना समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। भाई प्लीज ये बताना कि कौन से अलाउ कर रही है कौन से, ये तो पॉसिबल नहीं है। ओके ट्राई करो, लग गया तो लग गया। ओके अब ये बता पाना कि कौन सी, क्योंकि देखो किसी के पास असिस्टेंट सर्टिफिकेट होता है किसी के पास नहीं होता है, तो ये कोई लिस्ट नहीं है प्री डिफाइंड की कौन सी वाली होगी कौन सी। पहले ऐसा था जो पहले हो जाती थी वो अब नहीं होती। और भी कंस्ट्रेंट बताऊं, अगर एक वेबसाइट अपना UI चेंज करती है तब भी आपकी स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी, तो ये सारी के सारी कंस्ट्रेंट तो भाई इसमें है, तो आपको हर बार एक नई स्क्रिप्ट ही लिखनी पड़ेगी अगर आपकी कोई भी वेबसाइट स्क्रैपिंग सपोर्ट करती है तो। गाइस एनी डाउट टिल नाउ, अगर इस कोड में कोई डाउट है तो बताओ, डाउट तो होंगे, वीडियो देखना, वीडियो में अपलोड के बाद मुकम्मल से बोले। ओके तो एक बार देख लेना कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें ली है, कहाँ से एक्सेस करा है, नो का क्या मतलब है, तुझे बोला था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए करी नहीं, अच्छा नो डाउट। जतिन वो एक फंक्शन है मेरे भाई, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो जिसमें कोई अलाइनमेंट नहीं हो रही है, अलाइनमेंट में कहाँ आया मेरा स्ट्रक्चर, देख नहीं रहा आप लोगों को यहाँ पर आउटपुट स्ट्रिंग आ गई, फिर से दिखाता हूँ आप लोगों को भाई, कोई अलाइनमेंट नहीं आया। अलाइनमेंट देने के लिए तो डेटा फ्रेम बनाया था मैंने, वो तो कुछ भी दे रहा था आपके स्ट्रक्चर, न्यू लाइन में जो स्ट्रक्चर था वो स्लैश से वहां पर डिफाइन कर रहा है, देखो ठीक है ना, ये आपका कैरियर रिटर्न होता है स्लैश आप, ओके तो ये देखो ना कोई स्ट्रक्चर नहीं है, पूरा पूरा डेटा रखा है आपका, तो स्ट्रक्चर होता ही नहीं है जिप में कोई। ओके स्ट्रक्चर के लिए मैंने क्या यूज करा था, डेटा फ्रेम, तो ये देखो नेम और वैल्यू ये इस तरीके से। अगर मैं पूरे का पूरा लाइक अगर मैं बात करूँ डेटा, सो दिस इज योर एक्चुअल आउटपुट, इसे मैंने डेटा फ्रेम में डाल के आपको दिखाया है। ओके तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जिप का मतलब है आपको एक तरह का बाइंड करके रख दिया है बस आपने, क्लियर है, ओके डन। चलो आगे देखते हैं, ओके नाउ अब क्या बताऊं मैं आपको, ये रही आपकी test.py, इसे ऑब्जर्व करोगे तब तक मैं देखता हूँ आप लोगों के लिए और चीज थी। ओके आई थिंक ओके कमल स्क्रैपिंग काम कब आती है, लाइक आपको कहीं से डेटा गेट करना है, ठीक है, सबसे ज्यादा काम यही आती है, आपको किसी का डेटा सिंपली वेबसाइट का डेटा उठाना है, तो आप वहां पर मैनुअली जाके तो टाइप तो करोगे नहीं, ओके या फिर स्क्रीनशॉट लेके तो पास कर दोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, एक अभी तो ये छोटा है, लाइक मैं बोलता हूँ कि मुझे IMDb पर से हर मूवी की रेटिंग का बताओ, ठीक है ना, अब सोचो IMDb पर कितना बड़ा डेटा पड़ा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि हर एक मूवी की रेटिंग के बारे में मुझे बताओ, तो उस केस में क्या होगा, वो डेटा यूजफुल है, आपको मूवी की रेटिंग्स का पता चल जाएगा, आप आगे चलकर उसे सोल्ड आउट भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो, तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे इतनी सारी मूवीज पड़ी हुई है लाइक लैक्स थाउजेंड्स, ओके तो वहां पर आप इस तरीके से मैन्युअली तो जाके आप स्क्रीनशॉट लेके तो दोगे नहीं, तो वहां पर आप एक स्क्रिप्ट रन करा लोगे। ओके अब स्क्रिप्ट हार्डली ज्यादा 5 to 10 minutes लेंगे पूरा का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करने में वहां से, क्लियर है, तो इस जगह पे काम आता है आपका, लाइक आपको कंपैरिजन ग्राफ बनाना है, कोविड का ही चल रहा है, हर कंट्री में कितने केसेस बढ़ रहे हैं, ओके किसी ने पूरी की पूरी एक टेबल डाल रखी है अपनी वेबसाइट पे, आपको क्या करना है, अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप क्या करो, कंट्री नेम और वैल्यूज निकालनी है, सिंपल जाओ स्क्रैप करो और अपने
डेटा को यूज करो, डेटा फ्रेम बन के आ जाएगा, डेटा फ्रेम को आप कहीं भी प्लॉट करा सकते हो, तो चीजों की रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए इन सबका यूज करा जाता है। ओके सो गाइस, कल आपने देखा था कि आप एक मेल भेज पा रहे थे सिंपल, आज हम देखेंगे आप परवेश आपने एचटीएमएल पढ़ा है अभी तक कभी इससे पहले वेब डेवलपमेंट? बेसिकली क्या होता है, जो एचटीएमएल पार्सल होता है ना पूरा का पूरा, आपका जो फ्रंट एंड बनता है ना वो पूरा का पूरा एचटीएमएल में बनता है। ओके तो जो एचटीएमएल पार्सल होता है पूरा का पूरा कोड, जो अभी यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, लाइक जो भी आपको ये दिख रहा है ये पूरा का पूरा कोड करा हुआ है। ओके तो पार्सल ने क्या करा था, पूरा का पूरा जो भी फ्रंट एंड का जितना भी कोड था ना, ये लाइक आपका जो एचटीएमएल का कोड है पूरी वेबसाइट का, वो ये रहा, ठीक है, वो पूरे को पूरे कोड को एक्सेस कर लेता है। आप इसमें से आप कोई भी चीज फाइंड करके निकाल सकते हो, तो ये काम होता है एचटीएमएल डॉट पार्सल। गॉट इट? ओके okay, ये पूरा का पूरा कोड गेट करता है, लाइक ये देखो ये यहाँ से पूरा स्टार्ट हुआ है एचटीएमएल का कोड लिखना। ओके okay, अगर मैं यहाँ टिक करूंगा तो मेरे पास पूरे का पूरा वेबसाइट, लाइक पूरा वेबसाइट लेगा, देखो ये पूरा का पूरा, तो ये पूरा एचटीएमएल पार्सल के इंटरनल आता है पूरा का पूरा। ये एचटीएमएल ओपन है टैग और ये एचटीएमएल का क्लोजिंग टैग है, तो इसके इंटरनली जिसने वेब पढ़ा होगा तो उसने लिखा होगा, उसे पता होगा कि ये चीज क्या है। ओके okay, आगे देखते हैं, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो गाइस अब हम ट्राई करेंगे कि क्या करना है हमें, वैसे अभी सेशन ओवर होने वाला है, गाइस नेक्स्ट सेशन में क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें हम ट्राई करेंगे कि अपना एक अटैचमेंट सेंड कर सके स्क्रिप्ट के थ्रू। क्या अटैचमेंट? ओके आप सब सारे के सारे आ चुके हो, तो मैं क्या करता हूँ, सो देखो अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने क्या बोल दिया कि हम एक अटैचमेंट के साथ मेल भेजेंगे, तो देखते हैं आ जाओ स्टार्ट करते हैं अटैचमेंट कैसे भेज सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या, सिंपल वही इंपोर्ट, कल भी बताया था एसएमटीपी लेप, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद क्या होता है, देखो सिंपल मेल का मतलब क्या, आप नॉर्मली ईमेल भेज रहे हो जो भी है, बट अभी यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, ईमेल को एक अटैचमेंट के साथ मेल करना है, तो क्या क्या चाहिए मुझे, MIME का यूज करूंगा, जिसका यूज करूंगा MIME का, तो मैं बोलूंगा फ्रॉम, अब बताता हूँ MIME होता क्या है, डॉट MIME। ओके क्या फ्रॉम ईमेल डॉट MIME डॉट मल्टी पोर्ट लेगा, सो ईमेल डॉट MIME डॉट मल्टी पोर्ट इम्पोर्ट MIME। So guys, ये क्या है, प्रीडिफाइंड एल्गोरिदम है, ओके इसकी, लाइक जो ये आपका MIME क्या आपका मल्टीमीडिया मेल एक्सटेंशन। ओके क्या बोल रहा हूँ, मल्टीमीडिया लिख लो यहाँ पर MIME इज योर, लाइक अगर आप नेटवर्किंग पढ़ोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि MIME का मतलब क्या होता है, जैसे कि SMTP होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP बताया था आपको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसी तरीके से अगर आपको कोई मल्टीमीडिया मेल भेजना है, लाइक अगर आपको कोई फाइल बाइंड करके या इमेज भेजनी है, कोई वीडियो भेजनी है, तो आप इसका वहां पर जो बैकग्राउंड में यूज होता है उसका होता है MIME का, मल्टीमीडिया मेल एक्सटेंशन, मल्टीमीडिया मेल मल्टी गाइस सॉरी ये मल्टीमीडिया नहीं होता, मल्टीपर्पस होता है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, दिस इज द फुल फॉर्म। ओके यही होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ओके MIME में से मैं मल्टी पार्ट का यूज करूंगा, ये भी एक एल्गोरिदम है। ओके देख लेते हैं और भी है, और मुझे क्या भेजना है, टेक्स्ट भी भेजना है साथ में, तो मैं क्या सिंपल दो चार एल्गोरिदम इसमें से सारे के सारे इंपोर्ट करा लेता हूँ फटाफट से, दिस दिस और कौन सी चाहिए थी मुझे, मल्टीमीडिया मल्टी MIME डॉट, मुझे टेक्स्ट भी भेजना है साथ में, चलो टेक्स्ट भी डाल देते हैं, ठीक है इंपोर्ट MIME टेक्स्ट। ओके गाइस तो और क्या भेजना था मुझे, मुझे उसका इफ आई वांट टू सेंड द
सब्जेक्ट की मेल का सब्जेक्ट है तो मैं क्या यूज कर दूंगा, बेस यूज कर लेता हूँ, डॉट बेस डॉट बेस, और यहाँ पे मल्टी बेस ओके, और एट लास्ट फ्रॉम ईमेल इंपोर्ट एनकोडर। ये एल्गोरिथम्स का यूज आप करोगे, जो भी और रिक्वायर्ड पड़ेगी तो बाद में देख लेंगे, बट अभी के लिए जो मेन है वो यही है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी मेल आईडी से मैंने यहीं पर ही क्रिएट कर ली, एस मैं सेंडर हूं, एंड जस्ट कोई भी एक मुझे जिसका नीरज आप दे दो अपनी मेल आईडी, दे दो जरा फटाफट से प्रोवाइड कराऊ, मैं सेंड कर दूंगा सेंडर ईमेल ओके। तो ये हो गया आपका रिसीवर का ईमेल ओके। अब मुझे क्या करना है, मैसेज को मैसेज कॉन्फिगर करना है, तो मैंने सेंडर और रिसीवर दोनों बना दिया, बाकी मैं क्रेडेंशियल्स बाद में डालूंगा ओके। सो हियर वी हैव मैसेज। अब मैसेज के लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीपार्ट, मुझे मल्टीपल मैसेज भेजने, सॉरी मल्टीमीडिया मैसेज भेजना है, तो मैं क्या इसे कॉल कराऊंगा मल्टीपार्ट को, कॉल इट MIME मल्टीपल मल्टीपार्ट मल्टीपार्ट हो गया ये आपका। अब इसमें मैं क्या करूंगा, पूरा क्रेडेंशियल्स पास करूंगा, लाइक कैसे मैसेज जो भी होगा कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, सो देयर ओके, एस से वैल्यू गेट कर लो इसकी, अगेन कहां के लिए जाएगा वो भी दे दो, देख लो तो ये था सेंडर और ये था रिसीवर, यहाँ पर दोनों की वैल्यू गेट हो गई ओके। मैसेज देख लेते हैं क्या है, मैसेज ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है सब्जेक्ट पास कर रहा हूं मैं यहाँ पर, व्हाट दिस इज टेस्टिंग ओके। तो ये क्या आपका सब्जेक्ट ऑफ दी टाइटल दे दो, सब्जेक्ट ऑफ दी मेल इस तरीके से। व्हाट डू मीन बाय बॉडी, बॉडी मतलब आप उसे क्या मैसेज भेजना पाते हैं, हेलो आई एम हियर, ये मैंने उसके लिए मैसेज भेज दिया, ये उसका एक क्या है सिंपल सा मैसेज है। अब मैं एक फाइल भेजूंगा उसे, एक अटैचमेंट भेजूंगा, तो कोई भी फाइल भेज सकता हूँ, तो मैं एफ में उस फाइल को गेट कर लेता हूँ, देख मेरे पास कोई फाइल पड़ी होगी टेक्स्ट बॉक्स में, तो देखता हूँ यहाँ से करंटली मेरे पास पड़ी हुई है test.test1.py, चलो ये वाली भेज देते फाइल ओके। इस फाइल को मुझे सेंड करना है ओके, तो फाइल का मैं पाथ इसलिए दे रहा हूँ कि मेरी इसी फोल्डर में पड़ी हुई है, तो यहीं से गेट कर लेगा ओके, क्लियर है। तो ये क्या था आपके फाइल का नेम था ओके। अब अगर आपको पूरा का पूरा सपोज करो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर फाइल का जो भी नेम है लाइक test1.py को मुझे सेंड करना है यहाँ पर, दिस माय फाइल नेम ओके, तो मैं क्या करूंगा इसे एक पाथ के थ्रू भी कट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर अटैचमेंट या कोई भी वेरिएबल ले लो आप ओके, ओपन योर URL ओके, फाइल का पाथ ओपन करने के लिए आप इस तरीके से भी ले सकते हो, तो देखो सिंपल मैं गेट करता हूँ कहाँ पर है पाथ इसको, सो यहाँ पर मैंने कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करा दिया, देखो ये
इसमें टेस्ट वन डॉट ओके सो देखो यहाँ से क्या सेंडर रिसीवर का पार्ट हो गया, अब यहाँ पे मैसेज कंफिगर हो गया, अब बस मुझे क्या करना है सेंडिंग की एप्लीकेशन बनानी है ओके okay? इतना पार्ट यहाँ पे कंफिगर कर लिया मैंने ओके नाउ तो बस ये वाला पार्ट मैंने कल आपको बताया भी था ओके कि लाइक यहाँ से मैंने पूरा का पूरा डेटा एक्सेस करा यहाँ ओके कल ही हमने कर लिया था तो इससे आप देख लो जो हमने मेल भेजी थी फाइल ओके तो वहां से रिलेट करो ओके पूरा का पूरा कंटेंट डिस्क्रिप्टर ये भी मैंने ऊपर बना दिया था ओके MIME बेस वाला पार्ट ओके पेलोड का मतलब क्या होता है लाइक जो भी यहाँ पर डेटा जा रहा है ओके उसके बाद ये इनकोडिंग वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पे इनकोडर इंपोर्ट कराया था उसका यूज करा है कि मैसेज इनकोड हो सके ओके और ये इस फाइल से ये वाला फाइल का पाथ एक्सेस कर रहा है पूरा का पूरा ओके तो यहाँ से मेरा पूरा और ये आपको बताया था मैंने smtp.gmail.com ये क्या होता है इसका प्रीडिफाइंड एक पोर्ट होता है तो यहाँ से मैंने पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको कल समझाया था ये smtp स्टार्ट tls वाला पार्ट ओके यहाँ तक किसी को भी डाउट है गाइस टेल मी फास्ट ओके एनीवन इट इज अटैचमेंट कि ये अटैचमेंट यहाँ से आएगा ओके अटैचमेंट के लिए क्या ओके सो okay, so बस अब मुझे क्या करना है इसे कॉन्फ़िगर अपनी ऑथेंटिकेशन देनी है ओके okay, क्या देनी है ऑथेंटिकेशन तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराते हैं सिंपल यहां तक हो गया है ओके okay, S1 में मैंने क्या करा है अब यहां से मैं जीमेल का ऑथेंटिकेशन दूंगा इसे नाउ जस्ट राइट ऑथेंटिकेशन पार्ट लिख लो यहां पर आप लोगों को याद रहेगा तो आपको S1 से करना तो देखो S1 क्या login S1 पे मैंने कॉन्फ़िगर करा था SMTP लिप जीमेल का तो S1.login किससे login करोगे आप सेंडर वाले पार्ट से सेंडर को भेजना है ओके और फिर क्या पासवर्ड पासवर्ड में बाद में डालूंगा तो अभी नहीं डालूंगा तो अभी मैं इसे जस्ट पास से कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ गॉट इट आफ्टर दैट लॉगिन होने के बाद क्या चाहिए मुझे अब मुझे जो टेक्स्ट भेजना है या जो भी उसे भेजना है तो वो क्या था सिंपल एक वेरिएबल में लिया मैंने टेक्स्ट रिक्वेस्ट में MSG में मैंने कॉन्फ़िगर करा था MSG. उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें स्ट्रिंग में क्योंकि आपका जो भी डेटा जाएगा किसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके जाएगा यहाँ से ओके टाइपकास्ट कर दिया बेसिकली अगर मैंने बोलना तो ओके और देन सिंपल अब क्या करूंगा लॉग इन के बाद सेंड करूंगा तो S1.सिंपल सेंड मेल फंक्शन ये पूरी स्क्रिप्ट हमने कल करी थी अगर आप लोगों को याद होगा तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना अगर डाउट हो ओके नॉट सेंडर इट्स आर एस और रिसीवर एंड देन योर टेक्स्ट ओके और बस लास्ट में आपका जो कनेक्शन बना समय ट्वीट कर दूंगा Got it. तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ ये मेरी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो अगर नीरज के पास मेल पहुंच गया जो भी फाइल है तो सही है समझ लेना है गॉट इट तो अभी मुझे पासवर्ड इसमें एंटर करना है तो मैं अभी यहाँ से स्ट्रिंग को सेकंड पे लेके जाऊंगा ओके मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इंटरनेट पासवर्ड एक
चेक करो, थोड़ा टाइम लेता है, ट्राई करो देखो आ जाएगा। मैंने स्क्रिप्ट यहां से रन कर दिया है। अगेन मैं रन करता हूं, एक सेकेंड। Please revert if you got the mail. ऐसे कैसे नहीं आया? ओके okay, क्योंकि मेरी तरफ से तो सेंट हुआ है ओके okay? और एक नहीं दो दो तीन तीन बार हो गया, क्या कर रहे हो आप? सो गाइस हाँ वो नो नेम के नाम से आएगी, एक फाइल आई होगी ओके गॉट इट, नो सब्जेक्ट एंड ऑल, उसमें एक फाइल पड़ी होगी ओके okay? तो वो अटैचमेंट बेसिकली एक नॉर्मल अटैचमेंट भेजना था तो मैंने भेज दिया, अब बाकी आप उसमें कोई भी फाइल डालो या इमेज डाल के .jpg एंड ऑल कुछ भी भेज सकते हो ओके। सो गाइस दिस इज योर स्क्रिप्ट, मेल आ चुकी है ओके okay, तो बस आपको क्या करना है, जहां पर मैं XYZ लिखूंगा वहां पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है 10 सेकंड ओके। सो दिस इज योर गाइस, कोई डाउट है यहां तक बताओ? तो गाइस देखो कुछ नहीं करा बेसिकली, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ओके okay. कनेक्शन बनाया था सॉरी यहाँ से नहीं, ठीक है, लाइब्रेरीज देन सेंडर रिसीवर, उसके बाद मैंने मैसेज कॉन्फ़िगर करा था ओके okay? उसके बाद अटैचमेंट डाला था, उसके बाद सिंपल आपका ऑथेंटिकेशन का कोड दिया था जो हमने कल भी करा था, सिंपल मेल भेजने का ओके, लॉगिन एंड देन सेंड द मेल। एनी डाउट एनीवन? दिस इज अ सॉकेट प्रोग्रामिंग इन पाइथन ओके, ऑपरेट करके देखो समझ में आएगा ज्यादा। सो गाइस लाइक यहाँ पर अगर देखो कहाँ पर बोल रहा आप, ऑक्टेट, ये एप्लीकेशन बेस का पार्ट है, लाइक इसके पैरामीटर्स हैं दोनों के दोनों ओके, लाइक एप्लीकेशन एंड ऑक्टेट स्क्रीम स्ट्रीम ये दोनों के दोनों इसके पैरामीटर है MIME बेस के ओके। ATT वेरिएबल कुछ नहीं था, अटैचमेंट था, मैंने पाथ दिया है कि ये फाइल यहाँ प्रेजेंट है 10 सेट ओके। लाइक आप मेल में क्या करते हो, एक पाथ देते हो, जब आपको कोई मेल में कोई फाइल भेजनी होती है तो आप क्या करते हो, क्लिक करते हो अटैचमेंट में, फिर वो आपसे पाथ गेट करता है, तो मैंने भी बस वो पाथ लिया है यहाँ पर ओके। क्लियर है? सो गाइस जितना मैंने बोला था एक्स्ट्रा में कराने के लिए वो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है ओके, जो भी आप बीच बीच में कभी मिलेगा तो मैं बताता रहूंगा ओके। कौन है भाई ये पर्सन टेस्ट वाला? अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग फिर से पढ़ लो जाके एक बार प्लीज ओके। हाँ यही बता रहा हूँ ओके, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो जहां पर मैंने स्ट्रिंग्स पढ़ाई है तो वहां पर जाके एक बार रिव्यू कर लो, पता चल जाएगा, वीडियोस अपलोड कर रखी है मैंने, देख लेना एक बार ओके। बेसिक सी चीज है। हिमांशु, जतिन, एनी डाउट? विनित, प्रिया,
ज्योति, अंकिता, सो गाइस ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे ऑन ट्यूसडे. ओके.